हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मछली फ्राई। तो देखिए, हमने 1 केजी मछली ले ली है। इसको अच्छे से हमने वॉश कर ली है और लास्ट में हमने नमक डाल करके धुल लिया है। इससे क्या है कि बिसाइनपन नहीं रहता है। हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए, उसके लिए हम क्या क्या मसाला डालेंगे। 1 स्पून हम पिसा हुआ मिर्चा डाल देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 स्पून जो है हम हल्दी डाल देंगे और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालेंगे। और बड़े चम्मच से हम चावल का आटा डाल देंगे। इससे क्या है कि मछली जो है हमारी बिल्कुल चुरचुरी तैयार होती है। और इसको हम आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए इसको हम रख देते हैं ढक करके, ताकि सारा मसाला जो है इसमें अच्छे से भीग जाए। तो देखिए, हमने सरसों का तेल डाल लिया है और तेल जो है बिल्कुल अच्छे से हीट होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से तेल हमारा हीट हो चुका है और ये मैरिनेट हो चुकी है मछली आधा घंटा। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल में से धुआं आने लगे, इतना ज़्यादा हीट होना चाहिए तब मछली जो है कढ़ाई में चिपकेगी बिल्कुल नहीं। अब बहुत ही अच्छी फ्राई होगी। तो वन साइड को मछली जो है हो चुकी है, अब हम इसको पलट देंगे। देखिए, मछली कढ़ाई में बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है। ये तेल का कमाल है, तेल जो है बिल्कुल हीट होना चाहिए। देखिए, वन साइड को हो चुकी है, दूसरी साइड भी मछली हो जाएगी, फिर हम निकाल लेंगे। तो देखिए, मछली हमने सारी निकाल ली है। अब हम दूसरी भी इसी तरह डाल देंगे मछली कढ़ाई में। तेल थोड़ा सा और हीट हो जाए, फिर हम मछली डालेंगे इसमें। ये भी मछली फ्राई हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम दूसरी मछली भी इसी तरह फ्राई करेंगे। तो मछली को हमने फ्राई कर लिया है, देखने में बहुत ही अच्छी है, खाने में भी बहुत चुरचुरी है। एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर करिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।